सर किचन आज मेरी मम्मी टूटी फूटी बनाने जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भी जाके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है इस वीडियो के बारे में या आपको कोई और सजेशन देना है कोई और वीडियो के बारे में तो प्लीज सदा किचन @24 एक इंस्टाग्राम अकाउंट है मम्मा का, उसमें जाके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प भी चाहिए तो उसी पर आप मांग सकते हैं कोई हेल्प, प्लीज भी स्टार्ट करिए। आपको हम टूटी फूटी बना रहे हैं, तो ये दो छोटे छोटे फीता है वो अपने पेड़ का है, तो अब मार्केट में मिलता है तो मेरे पास पेड़ का, तो हम उसे तोड़ के लाएंगे। तो चलिए मैं इसको पहले हम छील लेते हैं, पानी डालें गर्म होने देते हैं, हल्का गर्म होने के बाद हम इसको डाल देंगे। हल्का पानी गर्म हो गया है, अब इसमें हम इसको डाल देंगे। देखिए पानी खोल रहा है, अब ढक ढक के हम इसको 10 मिनट पका रहे हैं, ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा तब तक उसको हम पकाना है। इसको इसका चेंज हो गया है, देखिए लाइट, अब इसको निकाल कर थोड़ा चेक कर लेते हैं सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। बढ़ा देंगे, पहले हम कम किए हुए थे, अब इसको थोड़ा सा और हम 1-2 मिनट इसको और बन पानी इसका जो भी है उसको हम थोड़ा सा कम होने देते हैं। देखिए हम गैस को तेज करके जो भी चाशनी जो था तो मैंने कम ही पानी इसमें डाले थे कि कम चाशनी बचे, उस सभी चाशनी इसके साथ टूटी फूटी में अच्छे से सोख लिया है, तो अच्छे से लिक्विड भी बहुत कम हो गया। तो अभी इस जगह समय पर हम इसको गैस ऑफ करेंगे। रेडी हो गया है, रेड हो गया है, येलो हो गया, ग्रीन हो गया और ये पिंक कलर हो गया। अब सभी को हम रात भर पूरी नाइट इसको इसी तरह छोड़ देंगे, कलर अच्छे से इस पर आ जाएगा। इसके बाद हम इसको सुखाएंगे। ये देखिए मैंने पूरी रात इसको रख दिए थे, मैंने सामने वीडियो बना दी थी, मैंने पूरी रात रख दिए थे, अगर चाहें तो 8 घंटा रख सकते हैं। तो ये देखिए एकदम अच्छे से परफेक्ट कलर देखिए आ गया, लेकिन मैंने 2 बार इसको रात में ऊपर नीचे कर दिए थे कि ऊपर का कलर नीचे चले जाए, नीचे से ऊपर आ जाए, तो अच्छे से कलर आ गया। इसे हम अब सूखने के लिए डालना है। तो एक थाली में आप देखिए मैंने प्लेट में टिश्यू पेपर डाल दी है, इसमें आपको इसमें नहीं सुखा कर बनाया है, इसमें पानी थोड़ा भी इसका चाटनी नहीं होगा। ये देखिए चुटकी भर निकलेगा, इसी तरह फैला दीजिए। ये देखिए 1 चम्मच के लगभग निकला था, पहले तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि थोड़ा सा होगा, लेकिन 1 चम्मच के लगभग इसमें निकला है। तो ज़्यादा इसमें धूप नहीं लगाना है, बस 2-3 घंटा काफ़ी है, ज़्यादा अगर तेज़ धूप है 2 घंटा काफ़ी है, लेकिन अभी मेरे यहाँ पे धूप एकदम धीमा धूप है, तो हम इसे 2-3 घंटा इसको धूप में रखेंगे। अगर धूप आप लोगों के यहाँ पर नहीं है तो फैन में भी ये सूख सकता है। इसी तरह हम सभी को निकाल कर दिखाते हैं आपको। We'll be right back.
थोड़ा देर से ये था और सिर्फ ग्रीन में निकला है एक चम्मच के लगभग, रेड में भी नहीं था, ऑरेंज में एक चम्मच, यानी बस मात्र दो चम्मच हमको चाशनी बच गया है। सभी चाशनी इसमें अच्छे से सभी ने ऑब्जर्व कर लिया था। ये देखिए, मैं आपको एक कलर कटिंग करके दिखाते कि अंदर तक इसका कलर देखिए, थोड़ा भी आपको कलर इसके अंदर तक थोड़ा कलर आपको दिख रहा है कि अच्छे से कलर ये लिया है और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसी तरह बनाए, इसको हम दो घंटा के लिए अभी धूप में डाल देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं वीडियो। ये सूख के रेडी हो गया है एकदम, देखिए परफेक्ट है, आपको नजदीक से दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत देखने से लग रहा है और बना भी बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेश, एकदम मार्केट के स्टाइल से बना है। तो एकदम देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम घर पे बनाए हैं या मार्केट का है, एकदम इतना देखने में भी लग रहा है। तो एकदम रेडी हो गया, ये कम्प्लीट हो गया, अलग अलग भी पैक करके रख सकते हैं और मिक्स करके भी रख सकते हैं। तो जैसा आपका मर्जी हो तो उसको रखिए, 6 महीने तक ये आपको चलेगा। रेड के कलर कितना अच्छा।